आत्मा का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिसे ये रूहें और आत्मा अपना ठिकाना बना लेती हैं। अभी तक आपने पुरानी इमारतों और जहाजों पर रूहों के कब्जे के बारे में सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहां पर वैम्पायरों का राज है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया, लेकिन जो बन गया वैम्पायर्स यानी पिशाच का अड्डा। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हों और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहां पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज्यादा होता है जहां उसके साथ कोई घटना हुई हो या कोई हादसा हुआ हो, जहां उसका शरीर हो। लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती हैं। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती हैं। आइए आज लंदन के उस कब्रिस्तान की सैर करते हैं। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। यह काफ़ी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा यह कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज़्यादा थी और आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर रहे थे, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति थी। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगाह था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटाघर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें न जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ जमीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो गाहे बगाहे लोगों को दिख जाती हैं। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था वो सन 1970 में, जब स्कूल की दो छात्राओं ने कब्रिस्तान के एक किनारे पर वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्राओं का कहना था, जब वो स्कूल से लौट रही थीं और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची, तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा और कब्र से सबको निकालकर उसका खून पी रहा था।
इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक और मामला प्रकाश में आया, जहां एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वे दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा, जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज़्यादा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण देख नहीं पाया गया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्यों से अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साए ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख दोनों वहां से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली हैं। कई बार लोगों ने इन्हें महसूस किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाली सड़क पर कई लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों के गायब होने का मामला भी सामने आ चुका है। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है।